नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म को एक दूसरी फिल्म से कड़ी टक्कर मिली और दोनों ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड में कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जिनकी फिल्म रिलीज होने पर दूसरे फिल्म मेकर अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ा देते हैं। जब बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हो, तो एक समय ऐसा था जब उनकी फिल्म आने के कई हफ्ते बाद तक भी दूसरी फिल्म रिलीज नहीं होती थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता था और वे लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म को एक दूसरी फिल्म से कड़ी टक्कर मिली और दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। अमिताभ बच्चन की फिल्म के कारण एक दूसरी फिल्म भी सुपरहिट हो गई और इंडस्ट्री को एक नया सितारा मिल गया। चलिए हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की दो फिल्मों की ऐसी कहानी जिस पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। जंजीर, अमर अकबर एंथनी, डॉन और शोले जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले महानायक अमिताभ बच्चन ने उस दौर में एक और सुपरहिट फिल्म दी थी जिसका नाम था कुली। जब यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो कमाई के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे थे। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा था और इस फिल्म में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग तक हुई। इस फिल्म के दौरान ही बच्चन साहब चोटिल भी हुए और जिंदगी और मौत के बीच की जंग को जीत कर वे वापस आए थे। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा। दरअसल मनमोहन देसाई ने जब कुली फिल्म बनाई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। इसके साथ ही कर्ज और विश्वनाथ जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके सुभाष घई ने भी अपनी फिल्म रिलीज करने का फैसला किया। और दोस्तों, ये फिल्म थी जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेसाद्री अभिनीत हीरो। दरअसल हुआ ये कि कुली फिल्म देखने पहुंचने वाले दर्शकों को दो दो तीन तीन दिन तक टिकट ही नहीं मिलती थी। ऐसे में ये दर्शक सिनेमा हॉल पहुंचकर हीरो फिल्म देखने लगे। बस उसके बाद क्या था, हीरो फिल्म का गाना तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर सबकी जुबान पर चढ़ने लगा और उसके बाद इस फिल्म की ऐसी पब्लिसिटी हुई कि फिल्म सुपर हिट हो गई। हीरो की अपार सफलता से जैकी श्रॉफ के रूप में बॉलीवुड को नया सितारा मिल गया। इन दोनों फिल्मों के हिट होने के पीछे इनका संगीत सबसे बड़ा कारण था। दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग और लंबू जी गाने पर हर किसी की जुबान पर थे। इन दोनों फिल्मों के संगीत हिट होने के पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की आवाज थी। हीरो फिल्म ने जैकी श्रॉफ को रातों रात स्टार बना दिया था। मूवी को खूब सफलता मिली थी। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा थी। मूवी में बांसुरी की धुन बहुत फेमस हुई थी। एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने कहा था, जब मैंने अपनी फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बताई तो वे चाहते थे कि ये एक म्यूजिकल स्कोर हो जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाए। आइकॉनिक बांसुरी की धुन को पियानो पर प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था। इसके बाद फेमस बांसुरी बजाने वाले हरि प्रसाद चौरसिया ने इसे बजाया। उस समय का आइकॉनिक म्यूजिकल स्कोर तैयार किया गया जिसने जैकी श्रॉफ को रोमांटिक स्टार के रूप में लॉन्च किया। सुभाष घई ने कहा था कि टाइमलेस म्यूजिक और बांसुरी की धुन इस फिल्म की वास्तविक स्टार थी। सुभाष ने कहा, स्क्रिप्ट में शुरू से ही ये बताया गया था कि बांसुरी फिल्म की हीरो थी जिसने दो लवर्स के बीच प्यार का आधार बनाया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कई रिकॉर्ड कायम किए थे।
जैकी श्रॉफ की यह फिल्म दिसंबर 1983 में रिलीज हुई थी। फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था और मूवी में मीनाक्षी सेसाद्री फीमेल लीड रोल में थी। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।